हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा और आज मैं अपने वीडियो में आपके साथ अपना ये ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने काफ़ी न्यूट्रल रखा है। आई मेकअप जो है थोड़ा सा डार्क है, नॉट टू डार्क बट थोड़ा डार्क है, एंड लिप मेकअप मैंने काफ़ी न्यूट्रल रखा है टू ट्राई दिस लुक। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फेशियल बैंड लगा रही हूँ ताकि जो छोटे बाल हैं वो फेस पे ना आए और आसानी से मुझे मेकअप करने बने। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। विंटर्स शुरू हो चुके हैं तो आपको मेकअप से पहले जो हम रोज़ रोज़ मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं उससे डेढ़ गुना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र हमें अप्लाई करना है ताकि हमारा मेकअप जो है हमारी स्किन को ड्राई ना करे। अब मैं एक नॉर्मल सा टेप अप्लाई कर रही हूँ और क्योंकि मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था सो टेप जो है वो अच्छे से स्टिक नहीं हो रहा है ऑयल के कारण। सो मैंने ये क्रायलॉन का स्टिक लिया है एंड दिस इज़ अ वाइट कंसीलर। आप चाहें तो कोई भी वाइट बेस यूज़ कर सकते हैं। जब आप वाइट बेस लगाते हैं अपने आईज़ पे तो जो आई शेडो के कलर्स हैं वो और भी ज़्यादा इन्हेंस्ड लुक देते हैं आपको। आपका उसका कलर जो है काफ़ी ओरिजिनल नज़र आता है, कलर चेंज नहीं होता है। सो मैं अपने PSC HD लूज पाउडर से इसे सेट कर रही हूँ। वन थिंग, जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसके नेम एंड शेड नेम्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, सो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लीजिए। सो क्रीज लाइन के लिए मैंने ये पीच शेड यूज़ किया है एंड वो मैट है। सो क्रीज लाइन और उससे थोड़ा सा ऊपर मैं 2 से 3 बार इसे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा आई मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लीजिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जिसमें मैंने बिगिनर्स के लिए आई मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया है, आईब्रोज से लेके कंप्लीट मस्कारा तक आई मेकअप। सो अब मैंने ये थोड़ा सा डीपर कलर लिया है एंड मैं थोड़ा सा कम घना ब्रश ले रही हूँ, ब्लेंडिंग ब्रश जो है। इससे पहले वाला ब्लेंडिंग ब्रश काफ़ी डेंस था और अब इन दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मैंने एक तीसरा लाइट कलर लिया है ताकि अच्छे से जो दो कलर सबसे पहले यूज़ किए थे वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाएं, एक ग्रेडियंट, एक अच्छा सा ब्लेंडेड लुक मिले। अब मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और आउटर कॉर्नर पे इसे प्रेस कर रही हूँ। मैंने एक एंगल्ड ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड देन जो भी ब्रश में रह जाएगा उसे क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि आउटर कॉर्नर और क्रीज लाइन जो है वो इक्वल सा दिखे। एंड एंगल ब्रश आप देख सकते हैं। सो मैं 2 से 3 बार ये स्टेप कर रही हूँ। अब मैं और भी डार्क ब्राउन शेड की ओर जा रही हूँ। आप चाहो तो ब्लैक शेड भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास इतना डार्क ब्राउन नहीं है तो। सो आप देख सकते हैं मेरा जो आउटर कॉर्नर है वो डार्क हो चुका है एंड नाउ मैं उसे क्रीज लाइन पर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो उसके लिए मैं अगेन जो रेड शेड मैंने पहले लिया था वो ले रही हूँ और क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। क्रीज लाइन से हल्का ऊपर जा सकते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा डीप या डार्क कलर नहीं है। अगर आप बहुत डीप या डार्क कलर यूज़ करते हैं तो क्रीज लाइन से ऊपर ना जाए। सो मैं कट क्रीज बनाने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए मैंने अपना कंसीलर लिया है। सो लिक्विड कंसीलर आपको ज़रूरत है एंड आईलाइनर की तरह लगा के ऊपर देखिए तो आपको आपका क्रीज लाइन मिल जाएगा। उसे फॉलो करते हुए आप अपना आई शेप क्रिएट कर लीजिए कंसीलर से पहले, जैसे मैं कर रही हूँ, एंड आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर कंप्लीट एंड देन पूरे आईलिड पे मैं अपना ये कंसीलर अच्छे से फिल कर ले रही हूँ, अच्छे से पेंट कर ले रही हूँ अपने आईलिड को कंसीलर से। सो आप देख सकते हैं टेप लगाया हुआ है तो मुझे एक शार्प लाइन मिल सकती थी बट क्योंकि मैंने पहले मॉइस्चराइज़र लगा लिया था सो टेप जो है उतना अच्छे से स्टिक नहीं हुआ है तो हल्की सी शार्पनेस कम होगी। एंड उसे सेट करने के लिए मैं ये न्यूट्रल शेड का ही आई शेडो पाउडर ले रही हूँ। आप चाहो तो अपना नॉर्मल पाउडर से भी सेट कर सकते हो।
अगर आप ग्लिटर्स अप्लाई करने वाले हैं तो सेटिंग ना कीजिए, डायरेक्टली आप अप्लाई कर लीजिए तो अच्छे से स्टिक हो जाएगा आपके कंसीलर पे, क्योंकि वो गीला होगा। सो अब मैं आउटर कॉर्नर पे ये ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ, जो कि थोड़ा शाइनी क्रीमी टाइप से शाइन है इसमें थोड़ी। सो ये मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, एंड जो मैंने क्रीज क्रिएट किया है कंसीलर से, मैं वहीं तक इसे अप्लाई कर रही हूँ, उससे बाहर नहीं जाऊंगी। बाकी के बचे हुए जगह पे मैं ये शिमरी पिंक या शैम्पेन शेड आप बोल सकते हैं, ये शेड मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो मैंने एक स्मॉल फ्लैट ब्रश लिया है, जो कि कंसीलर ब्रश है, इन दोनों शेड्स को अप्लाई करने के लिए। अलग अलग ब्रशेस लिए हैं, सेम ब्रशेस से कलर मिक्स हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं दोनों कलर्स लग चुके हैं, एंड देन जो दोनों कलर का सेंटर लाइन है वहाँ पे मैं ब्रश को प्रेस करूँगी, ताकि दोनों के बीच वो लाइन ना दिखाई दे, दोनों एक दूसरे में ब्लेंडेड दिखाई दे। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ब्लेंड कर लेना है। नाउ मैं अपना जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ, जो कि लॉरियल का है। अगेन फुल नेम एंड शेड नेम देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिए नीचे। सो मैं ये लाइनर अलग से आईलाइनर ब्रश से लगा रही हूँ। इसके साथ भी ब्रश एप्लीकेटर मिलता है, बट वो थोड़ा थिक होता है, तो मैं अलग से आईलाइनर ब्रश ले रही हूँ, जो मेरे ब्रश सेट में था। इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो मैं इसे थिक लाइनर लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शार्प लाइन नहीं मिली मुझे, क्योंकि टेप अच्छे से स्टिक नहीं हुआ था। आईब्रोज़ के लिए मैंने मेरा मेबली न्यूट पैलेट यूज़ किया है, जिसका मैट ब्राउन शेड मैंने यूज़ किया है आईब्रोज़ को फिल करने के लिए, एंड एक स्मॉल एंगल्ड ब्रश से मैं अपने आईब्रोज़ के गैप को फिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आईब्रोज़ गैप नहीं है, इसलिए मैंने पाउडर्ड प्रोडक्ट यूज़ किया है, एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर ले रही हूँ अब एक गोल्डन शेड से, ताकि अब मेरा जो अपर आई मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। लोअर आई मेकअप जो है वो हम बेस मेकअप के बात करेंगे। सो कलरबार का प्राइमर लिया है मैंने, एंड सिर्फ टी जोन एरिया पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही स्मूथ ट्रांसपेरेंट जेल है। करेक्टर के लिए अगेन एक क्रायलॉन का स्टिक लिया है मैंने, इसका नेम है ओरिएंटल, एंड ये जो है ऑल पर्पस करेक्टर है, मुझे काफ़ी पसंद है। आप देख लीजिए मैंने इसे अप्लाई किया है, सो अब मेरा जो फेस है वो इक्वल इवन टोन नज़र आ रहा है। आई थिंक अगर मुझे रेगुलर बेसिस पे मेकअप करना हो तो मैं सिर्फ इससे अपने स्पॉट्स करेक्ट करके, जस्ट पाउडर अप्लाई करके मैं बाहर जा सकती हूँ। सो ये ऑल पर्पस करेक्टर है, कोई भी डार्क स्पॉट आप इससे करेक्ट कर सकते हैं, रेड ब्लू ब्राउन एनी डार्क स्पॉट। सो मैंने ये लिक्विड फाउंडेशन लिया है लैक्मे एब्सोल्यूट का, जो कि स्पेशली ब्राइडल रेंज का है आई गेस। फुल कवरेज फाउंडेशन है, सेमी मैट फिनिश देता है, शाइन तो नहीं करता बट कम्प्लीटली मैट भी फिनिश नहीं देता है। सो बहुत सारे डॉट्स बना लिए मैंने अपने फेस पे, एंड मैं ये रियल टेक्निक का स्टिपलिंग ब्रश ले रही हूँ, एंड जैसे हम स्पंज को फेस पे डैप डैप करते हैं वैसे ही मैं ब्रश को कर रही हूँ। एंड आप चाहो तो ब्रश को अपने फेस पे रन भी कर सकते हो, बट अगर आपके फेस पे फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ब्यूटी स्पंज ही यूज़ कीजिए, इससे आपके जो फाउंडेशन है वो हेयर्स पे अच्छे से ब्लेंड होंगे। और अगर हेयर्स नहीं हैं या बहुत कम हैं तो फिर आप ब्रश इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए। ब्रश की हेल्प से जो फाउंडेशन है वो बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, एंड क्योंकि ब्रश की स्ट्रोक्स जो है वो दिखाई देती है HD फ़ोटोशूट में, एंड ऑफकोर्स ब्राइट्स हैं तो फ़ोटोशूट तो होगा ही, तो इसलिए मैंने ये डैम्प स्पंज लिया है, एंड पूरे फेस पे मैं इसे कम से कम 30 सेकेंड के लिए रन करूँगी।
अगर मैं डायरेक्टली स्पंज से ब्लेंड करने की कोशिश करती तो काफ़ी टाइम लग जाता ब्लेंड करने में, इसलिए मैंने पहले ब्रश से एक मिनट में अपने पूरा फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया एंड देन मैं स्पंज से उसे एयर ब्रश फिनिश देने की कोशिश कर रही हूँ। और कहीं पे कम ज़्यादा ब्लेंडिंग हुई हो, मोटी पतली लेयर लगी हो, तो वो भी बराबर हो जाएगी। इससे अपने नेक और कान को नहीं भूलना है, अदरवाइज़ फ़ोटोज़ में वो अलग अलग कलर्स के दिखाई देने लगेंगे। फेस के कलर से मैच करने चाहिए आपके ईयर्स एंड नेक जो हैं, तो वहाँ पे भी आपको अपना फाउंडेशन लगाना है। सो मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है। नाउ मैं अपना कंसीलर लगा रही हूँ। आई लव दिस कंसीलर। ये जो है निक्स का कंसीलर, शेड नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे याद नहीं है। सो ये जो कंसीलर है आप देखिए, मैंने इसे एडिट नहीं किया, ये पार्ट बिल्कुल कुछ ही सेकेंड में अच्छे से ब्लेंड हो गया है फुल कवरेज होने के बावजूद। अदरवाइज़ जो दूसरे फुल कवरेज कंसीलर्स होते हैं उन्हें ब्लेंड होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो काफ़ी थिक होते हैं, और आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। नाउ अपना सेटिंग पाउडर से मैं अपना कंसीलर सेट कर ले रही हूँ। ये कंसीलर बहुत ज़्यादा क्रीज़ नहीं करता है दूसरे कंसीलर्स की तरह, इसलिए ज़्यादा पाउडर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। अब लोअर आई मेकअप के बारे में, सॉरी लोअर आई मेकअप की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले डार्क ब्राउन शेड मैं आईलाइनर की तरह लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। ध्यान रखिए वाटर लाइन में नहीं लगाना है, लैश लाइन पे लगाना है। एक बहुत ही स्मॉल फ्लैट ब्रश या आईलाइनर ब्रश आप ले सकते हैं, या पेंसिल ब्रश भी ले सकते हैं, या ब्राउन कोल पेंसिल भी आप ले सकते हैं। एंड अब मैं जो रेड शेड था मेरा, वो उससे मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने लोअर आई एरिया पे ब्लेंड कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद जो पीच शेड था वो लेकर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब मैं एक वाइट कोल ले रही हूँ, ये मेबलिन का है एंड मैंने अपने वाटर लाइन पे लगा लिया है, सॉरी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब मैं लैशेस अप्लाई कर रही हूँ, ग्लू लगा लिया है। ग्लू लगाने के बाद 30 सेकेंड वेट करना है, तो इसे मैं इस तरह से टिल्ट कर रही हूँ एंड देन अपना लैशेस को कर्ल कर ले रही हूँ। एंड ऑनेस्टली मैं फर्स्ट टाइम फॉल्स लैशेस लगा रही हूँ अपनी आँखों पे एंड आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस, बट ओके कुछ ही देर की बात है। सो मैंने ये लगा लिया, काफ़ी हैवी हैवी सा लग रहा है मुझे अपनी आँखों पे, बट ठीक है, फाइनल लुक बहुत अच्छा मिलेगा। एंड आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने के बाद, शूट करने के बाद मैं इसे हटा दूँगी। सो अब मैंने अपना फेसेस कैनेडा का मस्कारा अप्लाई कर लिया है एंड लोअर लैशेस पे भी मस्कारा लगाना है बिकॉज लोअर लैश पे हमने वाइट कोल पेंसिल लगाया था। सो अगेन एक क्रैलॉन का स्टिक लिया है मैंने, टीवी पेंट स्टिक, और इसे मैं कंटूर के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसका भी शेड नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने। सो आप देख सकते हैं रेड अंडरटोन का ब्राउन शेड है ये, ब्लेंड होने के बाद हल्की सी रेडनेस दिखाई दे रही होगी। सो अगर आप फेयर टोन में हैं तो आप ये शेड यूज़ कर सकते हैं, अगर आप डस्की टोन में हैं तो ये शेड आपके लिए नहीं है, आपको डार्क ब्राउन शेड ही यूज़ करना पड़ेगा। सो नोज़ एंड जहाँ पे भी मुझे कंटूर करना है वहाँ अप्लाई करने के बाद सेम डैम स्पंज से मैं इसे अच्छे से प्रेस करके ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ अब मैं एक पाउडर्ड कंटूर ले रही हूँ ताकि ये जो क्रीम कंटूर था उसे सेट कर सकूँ। अगर आपने कंटूर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लिया है तो आप वाइट ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ले लीजिए सेट करने के लिए, इससे आपके कंटूर का कलर थोड़ा हल्का हो जाएगा। ब्लश के लिए मैंने ये मास्टर ब्लश पैलेट लिया है फ्रॉम मेबलिन एंड अगेन शेड नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले मैं डार्क शेड चीक्स पे प्रेस कर रही हूँ, उसके बाद ये लाइट पीच शेड लेके उसे अपने चीक्स पे ब्लेंड करूँगी और जो कंटूर अप्लाई किया था उसके साथ ब्लेंड करूँगी ताकि दोनों कलर्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना नज़र आए। अब मैं ये स्टिक हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का, और जहाँ पे भी मुझे हाइलाइट चाहिए चीक बोन्स पे, नोज़ पे, वहाँ मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ।
और अपने फिंगर्स की हेल्प से ही इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अगेन, अगर आपने हल्का हल्का सा लगाया है तो आप पाउडर्ड हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं इसे सेट करने के लिए। मैं ये स्टेप्स डबल कर रही हूँ बिकॉज़ पहले मैंने क्रीम कंटूर लगाया है, देन उसे पाउडर से सेट किया, क्रीम हाइलाइटर लगाया, देन उसे मैं पाउडर्ड हाइलाइटर से सेट कर रही हूँ। क्योंकि ये ब्राइडल मेकअप है तो आपको चाहिए कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, वैसा का वैसा ही दिखे जब तक आप उसे क्लीन नहीं कर देते। सो सेम हाइलाइटर मैंने इनर कॉर्नर पे भी लगाया आँखों के, ताकि थोड़ी सी आँखें जो है वो इन्हेंस्ड दिखे, ब्राइट दिखे। एंड ये के ब्यूटी का लिप क्रेयॉन मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसका जो इसकी रिव्यू वीडियो मैंने शेयर करी थी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। सो ये है मेरा फाइनल लुक एंड आफ्टर हेयर एंड ज्वेलरीज। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया हो। नेक पीस मैंने नहीं पहना बिकॉज मेरी ड्रेस की जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी है, सो नेक पीस में वो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं दे रहा था। सो मैंने सिर्फ इयररिंग्स, मांग टीका एंड नथ के साथ अपना ये जो लुक है वो कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आप कौन सी वीडियोस और देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आई एम गोना रिमूव माई लैशेस राइट नाउ बिकॉज मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है फॉल्स लैशेस लगाना। मे बी फ्यूचर में मुझे बहुत लाइट वेटेड लैशेस मिल जाए तो आई विल ट्राई, आई विल सर्च एंड देन आई विल सजेस्ट यू टू बाई दैट लैशेस, बट नॉट दिस वन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।